नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, YouTube से काफी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर पैसे कमा भी रहे हैं, ठीक है, पर उन्हें ये पता नहीं होता है कि आखिर YouTube से पैसा किस तरीके से आता है। पर उन्हें ये पता होता है कि बस YouTube पर वीडियो डालो और पैसा आना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से YouTube से पैसा आता है। और जैसे कि आप इस मोबाइल की जो स्क्रीन है बराबर में देख पा रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है $115.29, ठीक है। तो आखिर ये कितने पैसे होते हैं अगर भारत में ये पैसे आते हैं तब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें देखने को मिल रहा है बस $115, ठीक है, पर यहाँ पर जो भारत में जो पैसे आएंगे तो वो यहाँ पर कितने पैसे बनेंगे उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर YouTube से पैसा कब आना शुरू हो जाता है और YouTube पर काम किस तरीके से करना होता है। बस मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि YouTube पर चैनल बनाना बहुत ही आराम से आप 5 मिनट में चैनल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि YouTube ने इतने सारे फीचर्स को लॉन्च कर दिया है और इतना शॉर्ट तरीके से किया है कि आप मोबाइल से ही पैसे को कमा सकते हैं और मोबाइल पर ही अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं कुछ ही सेटिंग्स को ऑन करके, ठीक है। बस चैनल को कस्टमाइज करना होता है, जैसे कि अपने चैनल का बैनर और लोगो, इसी के साथ में कुछ सेटिंग्स होती हैं बेसिक सी, वो आपको करनी होती हैं। अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है कि आप चैनल किस तरीके से बना सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब उस चैनल पर आ जाता है कि भाई काम करना, ठीक है। अब काम किस चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे कि किसी की हम वीडियो चोरी ना करें, किसी का हम सॉन्ग ना लें, ठीक है, और किसी भी तरीके की हम वीडियो में गलत एक्टिविटी ना दिखाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इन तीनों चीजों में से कुछ भी करते हैं तो आप YouTube पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में वीडियो थी, ठीक है, और हमने किसी की वीडियो शूट कर ली, ठीक है, तो वहां पर भी ये चीज नियम कानून है वहां पर लागू होते हैं, ठीक है। हालांकि यह है कि YouTube की तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो YouTube बारीकी से चेक करता है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और उसके बाद में ही वो पब्लिक्स करता है, ठीक है। पहले था कि करीब 2 से 3 साल पहले कि जो YouTube पर वीडियो अपलोड करते थे वो वहां पर चेकिंग नहीं होती थी, ठीक है, पर आप जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो वहां पर चेक इन होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम सिस्टम है बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। उसके बाद में आप इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद, ठीक है, उसके बाद में आप वीडियो अपलोड करते हैं। आप वीडियो आप किसी भी कैटेगरी की बना सकते हैं, चाहे हंसी मजाक की सही, चाहे आप टेक्निकल की सही, चाहे आप एजुकेशनल से सही, ठीक है, या फिर आप पेंटिंग से रिलेटेड सही, या फिर कुकिंग से रिलेटेड सही, या फिर ब्लॉगिंग करते हो आप, ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी का आप वीडियो उस पर अपलोड करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त यह है कि जो आपकी वीडियो है वो एक ही कैटेगरी की होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग कैटेगरी की वीडियो अपलोड करते हैं। आज भाई हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कल को हम घूमने जा रहे हैं वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद में घर पर कुकिंग वगैरह हो रही है कि हम उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से भी YouTube पर काम नहीं होता है, ठीक है। YouTube पर आपको एक ही तरीके की कंटेंट अपलोड करना होते हैं। उसके बाद में अब YouTube की जो पॉलिसी है वो होती है जैसे कि 500 सब्सक्राइबर्स, ठीक है, इसी के साथ में 3000 वॉच टाइम घंटे, ठीक है, तो इससे यह है अगर आप 3000 वॉच टाइम घंटे कर लेते हैं, 500 सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं, तो जो आपका मोनेटाइज है वो हो जाता है हाफ चैनल मोनेटाइज। कहने का मतलब है सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ समय पहले एक पॉलिसी को यहाँ पर लॉन्च किया गया, जैसे कि आप 10 मिलियन व्यूज कर लीजिएगा अपने चैनल पर 90 दिन में, ठीक है, यानी कि 3 मंथ में 10 मिलियन व्यूज कर लेंगे और इसी के साथ में 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपके चैनल को शॉर्ट वीडियो के थ्रू मोनेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, ये पॉलिसी आई। और जो उससे पहले पॉलिसी थी वो सिर्फ ये पॉलिसी थी कि आपको 4000 घंटे और इसी के साथ में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, और उससे ये पहले पॉलिसी थी, ठीक है, वो थी कि आखिर आपको सिर्फ 10,000 सिर्फ व्यूज करने होते थे, ठीक है, तो उसके बाद में आप यहाँ पर बदलाव देख रहे हैं कि YouTube कितने कर रहा है, ठीक है, पर आज की जो पॉलिसी है वो ये है कि आपको अगर फुल मोनेटाइज करना है तो आप 90 दिन में
या तो आप 10 मिलियन व्यूज कर लीजिएगा, ठीक है, 10 मिलियन व्यूज कर लीजिएगा और 1,000 सब्सक्राइबर्स कर लीजिएगा 90 दिन में, तो आपका शॉर्ट वीडियो के थ्रू मोनेटाइज हो जाएगा व्यूज के थ्रू, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप वॉच टाइम के थ्रू कराना चाहते हैं लॉन्ग वीडियो के थ्रू, तो आपको 4,000 घंटे और इसी के साथ में 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होंगे फुल मोनेटाइज के लिए, ठीक है। और वरना अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं, 3,000 वॉच टाइम घंटे कर लेते हैं, तो वहां पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको शॉर्ट फील्ड का जो आपका थैंक्स वगैरह का ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, चैनल के ज्वाइन मेंबरशिप के ऑप्शन मिल जाएंगे, पर आपको एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपकी वीडियो पर चलेगी तभी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आपका जब मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद में जो आपकी वीडियो है उस पर ऐड चला जाते हैं, ठीक है। जो भी ऐड होंगे, अगर आपने शॉर्ट वीडियो के थ्रू यहाँ पर मोनेटाइज किया है यानी कि व्यूज के हिसाब से, तो आपको वहां पर 55% है वो यूट्यूब को देना होगा, 45% है आपको मिलेगा। अगर आप लॉन्ग वीडियो के थ्रू करते हैं तो वहां पर आपको जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो अगर मैं लॉन्ग वीडियो के थ्रू यहाँ पर अपने चैनल को मोनेटाइज कराता हूँ, तो वहां पर 55% मुझे मिलेगा, 45% यूट्यूब रखेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप शॉर्ट वीडियो के थ्रू करते हैं तो इसमें सिर्फ उल्टा आए, ठीक है, क्योंकि 55% यूट्यूब लेगा और 45% हमें मिलेगा। तो शॉर्ट वीडियो से कमाई है वो कम है, पर उसमें व्यूज है वो बहुत ही अच्छे खासे आ जाते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। और इसी के साथ में यूट्यूब है वो शॉर्ट वीडियो को आगे भी कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो पर 1,000 व्यूज भी दे रहा है, इसी के साथ में उन पर जो सब्सक्राइबर्स है बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं और व्यूज भी काफी तेजी से आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक ही कैटेगरी पर काम करें और आप पैसा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पैसा किस तरीके से आता है और इनमें कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं और आखिर किस किस तरीके से काम करते हैं और हमें एक्चुअली में कौन कौन से फीचर्स के ऑन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये चैनल मोनेटाइज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं $115 है, ठीक है। अब यहाँ पर $115 आ जाते हैं, मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो करेंसी कन्वर्टर वाला है वो दूसरे मोबाइल में है, तो मैं यहाँ पर $83 है, $83 और यहाँ पर गुणा कर देता हूँ 115 से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाते हैं ₹9,545, ठीक है। तो डॉलर है वो 115 होंगे, तो भारत में जो रुपए आएंगे वो आएंगे 9,545, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये तो समझ गए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है व्यू पेमेंट एक्टिविटी। अब आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे व्यू पेमेंट एक्टिविटी पर, तो आपको हर मंथ की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि आखिर कौन से मंथ आपके कितने डॉलर बनना है। अब डॉलर आपको किस तरीके से आएंगे, जैसे कि आपके बैंक खाते में किस तरीके से पैसे पहुंचेंगे, ठीक है, आपको एक एडिशंस अकाउंट बनाना होता है, उसमें आपको एडिशंस में अपनी आइडेंटिटी लगानी होती है जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। जैसे कि अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके पास एक पैन कार्ड है, ठीक है, तो आप जानते हैं वहां पर वो पैन कार्ड को आप लगाएंगे और गूगल एडिशंस जो टीम है वो इस चीज के लिए चेक करेगी सही जानकारी है कि नहीं है। अगर सही जानकारी पाई जाती है तो वो आपके एड्रेस पर आपको एक पिन भेजेगी, वो पिन आपको डालकर यहाँ पर सबमिट करना होगा, उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट लगाना होगा और जो आपके पैसे हैं वो आपके यहाँ पर दिखेंगे मंथली में जितने भी हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके 10 से 15 तारीख में आपके एडिशन अकाउंट में पहुंच जाएगी पेमेंट यहाँ से, यानी कि यूट्यूब पेज से आपके एडिशन अकाउंट में पहुंच जाएगी। उसके बाद में 21 से 25 तारीख में आपके एडिशंस अकाउंट से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है, तो उसमें जो 21 से 25 तारीख में आपके बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पर ऐसे में गूगल एडिशंस कहता है कि इसमें जो प्रोसेसिंग होने में आपके खाते में पैसे पहुंचने में, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर 5 दिन का समय लग सकता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 5 दिन तक वेट कर लेना है। हालांकि 2-3 दिन बाद ही पेमेंट आ जाती है, क्योंकि मैं 2019 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से पता है, ठीक है, कभी भी यहाँ पर पेमेंट तब लेट होती है जैसे कि सरकारी छुट्टी पड़ जाती है बैंकों की, ठीक है, तब यहाँ पर लेट हो जाती है पेमेंट, ठीक है, तो 2 बार यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हो गया है,
ठीक है, तो पहली बार जब हुआ था तो मैं बैंक गया और मैंने बैंक मैनेजर से फिर पूछा, उन्होंने कहा कहाँ से आता है आपको पैसा, तो मैंने उन्हें बताया मैंने कि ऐसे ऐसे काम करता हूँ मैं और ऐसे से मेरी पेमेंट है। बोले आपके पास कोई प्रूफ, तो जो भी मेल आता है तो उस मेल में सीधे साफ साफ लिखा हुआ होता है ट्रांजेक्शन आईडी नंबर सब कुछ, ठीक है। तो मैंने उन्हें दिखाया, बोले हाँ पैसा तो आपका आ रहा है इस बैंक में ही, मगर हो सकता है कि यहाँ पर पैसा आने में कुछ समय लग जाए क्योंकि सरकारी छुट्टी पड़ गई थी बीच में अब, ठीक है, तो वो सरकारी छुट्टियों की वजह से जो पैसा है आपका यहाँ पर लेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बाउच पेज ऐड। अब बाउच पेज ऐड क्या होता है, जैसे कि जो हमारी वीडियो होती है उस पर जो पेज पर ऐड चला जाते हैं, ठीक है, उन पर जो कमाई होती है लॉन्ग वीडियो थ्रू, ठीक है, तो उन पर जब आपने देखे होंगे जो वीडियो हम देखते हैं यूट्यूब पर, तो उस पर ऐड देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उन एड्स की जो कमाई होती है, ठीक है, वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, कि इसके थ्रू आपको यहाँ पर पैसे कमाने को मिलेंगे। इसी के साथ में शॉर्ट फील्ड एड्स, जो शॉर्ट वीडियो चलती है यूट्यूब पर, ठीक है, तो उनमें जो एड दिखाए जाते हैं शॉर्ट फील्ड में, आपने देखोगे जब भी आप वीडियो देखते होंगे तो उसके बीच कुछ आपको यहाँ पर एड देखने को मिलता होगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में, तो वहां पर यह है कि उनसे जो कमाई होगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हो गए दो तरीके। अब यहाँ पर तीसरा तरीका आ जाता है YouTube से पैसे कमाने का, कि आप अपने चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप बेच सकते हैं, ठीक है, आपका चैनल अच्छा है, आपसे लोग बात करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर तोहफा देना चाहते हैं, तो वो आपके चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप ले सकी, लाइव वगैरह करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आपसे कोई बात करना चाहेगा, ठीक है, या फिर आप उनके कमेंट का रिप्लाई देना चाहेंगे, तो वहां पर आप अपने चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप बेच सकते हैं कि इतने में आप मुझसे बात कर सकते हैं, इस चीज का अगर आप मेरे चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सेटअप करना होती है। तो आप तीन ऑप्शन समझ गए कि यूट्यूब से पैसे कमाने के। अब आ जाता है चौथा तरीका, चौथा तरीका आ जाता है सुपर, यानी कि थैंक्स वाला ऑप्शन, तो ये वही है। तो ऐसे में यह है कि आपको यहाँ पर आपने देखा होगा अगर आप किसी के चैनल को ओपन करते हैं तो वहां पर थैंक्स का ऑप्शन मिलता है हार्ड वाला, ठीक है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आप 10 रुपए पे कर सकते हैं, 20 रुपए पे कर सकते हैं, तो वो एक हाइडलाइट हो जाता है आपका कमेंट। उसके बाद में आ जाता है पांचवा तरीका आ जाता है शॉपिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो उसमें आप एक स्टोर बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है, तो उसमें यह है कि आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं आपके चैनल पर जाकर, और उससे जो कमाई होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में आ जाता है छठा तरीका आखिर YouTube से पैसे कमाने का, ठीक है, यानी कि ब्रांड कनेक्ट है। आप ब्रांड कनेक्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप ब्रांड कनेक्ट करा सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पर कुछ पैसे को कमा सकते हैं ब्रांड कनेक्ट करके, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। तो स्टार्ट सेटअप योर पेमेंट डिटेल इन एडसेंस फॉर YouTube, इन्होंने कहा है जो पेमेंट के लिए एडसेंस डिटेल है वो आपको यहाँ पर देनी होगी और यूट्यूब के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, जैसे कि यू नीड टू आपको टैक्स फॉर्म जो भरना होगा, ठीक है, कि गवर्नमेंट है यानी कि यूएसए में भी टैक्स कटना हमारा कटता है, ठीक है, पहले नहीं कटता था पर इन्होंने ये सुविधा यहाँ पर इन्होंने ये टैक्स लगाया है, उसके बाद में गवर्नमेंट को यूएसए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, ठीक है, और 5-6 लाख से ऊपर आ गई तो भैया भारत में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी पड़ती है, कंफर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपना नाम और बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, इसी के साथ में एड्रेस, तो ये आपको फिल करनी पड़ती है। इसी के साथ में पेमेंट यानी कि आपको अपना अकाउंट नंबर डिटेल डालनी पड़ती है, ठीक है, उम्र से बात करना चाहते हैं यूट्यूब की टीम से तो वो आप यहाँ पर बातचीत भी कर सकते हैं जैसे कि चैट ईमेल सपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। जो कॉपीराइट मैच टूल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक्सटर्नल लिंक मिल जाते हैं यहाँ पर मिल जाते हैं, अन्य कई सारे फीचर्स जैसे कि अपडेट एडिशन यूट्यूब, ठीक है, तो ये वही चीजें हैं। एग्रीमेंट होता है जो कि आपसे यहाँ पर करवा लिया जाता है, एग्रीमेंट वही होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि आपको 45% मिलेगा अगर आप लॉन्ग वीडियो के थ्रू नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो के थ्रू करते हैं तो आपको 45% मिलेगा जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है।
और आप शॉर्ट वीडियो बनाकर ना, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं ठीक है, लॉन्ग वीडियो से चैनल अपना मोनेटाइज करते हैं, तो जो वीडियो बनाता है उसे 55% मिलता है, यूट्यूब को 45% मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप समझ होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके मन में जो भी सवाल थे, और हाँ ये काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई सब्सक्राइबर्स के रुपए मिल जाते हैं, लाइक के पैसे मिल जाते हैं, कमेंट के पैसे मिल जाते हैं, तो ये इसके कोई भी पैसा नहीं मिलता है ठीक है, सिर्फ एक मोटिवेशनल समझो। अगर आप हमारी वीडियो पर लाइक करोगे ठीक है, तो हमें भी लगेगा कि हाँ लोग इस तरीके की वीडियो देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं ठीक है, और ये लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सही है ठीक है। तो ये चीज को दर्शाता है वो चीज ठीक है, जो लाइक कमेंट करना, लाइक का यही चीज को दर्शाता है, और कमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी राय दे सकते हैं वीडियो के बारे में, और सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है कि आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको लाइक सब्सक्राइब कमेंट का भी मतलब समझ में आ गया होगा ठीक है। हालांकि यूट्यूब को सभी को पता चल गया होगा कि आखिर यूट्यूब से पैसे आते हैं, पर काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन थी कि आखिर पैसे किस तरीके से आते हैं और आखिर किस तरीके से काम करना होता है। तो इन पर मेरी पहली ही वीडियो बनी हुई है, तो उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करना है। अगर आप यूट्यूब के फील्ड में आ रहे हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, तो वीडियो एडिटिंग एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाती है ठीक है। वीडियो किस तरीके से एडिटिंग करना है, तो वीडियो आप कैन मास्टर से एडिटिंग कर सकते हैं। कैन मास्टर किस तरीके से सीखना है, इस पर मैंने एक ही वीडियो बनाई है और आप एक ही वीडियो में वो सब कुछ सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।